वकील को सरेराह सिर तन से जुदा की धमकी मिलने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र हरे रंग के लिफाफे में रखकर कार पर रखा गया था। तिलक नगर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तिलक नगर पुलिस के मुताबिक घटना पिपलिया हाना से मूसाखेड़ी जाने वाली सर्विस रोड की है। पुलिस को फरियादी संतोष पिता गोपाल शर्मा निवासी गोकुल रेसिडेंसी रेस कोर्स रोड ने शिकायत दर्ज करवाई है। संतोष ने पुलिस को बताया वह विश्व हिंदू परिषद में मालव प्रांत संपर्क प्रमुख के पद पर है। 23 मार्च को करीब 3:30 बजे कार क्रमांक MP14BE1277 से जा रहे थे। सर्विस रोड पर कार खड़ी कर लघु शंका के लिए गए थे। कुछ देर बाद लौटे तो कार के वाइपर में हरे रंग का लिफाफा रखा मिला। उसमें एक पत्र रखा था जिसमें सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने संतोष शर्मा की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है और शर्मा के आने जाने मार्ग के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सर जुदा का लिखा है और उसमें कुछ संतोष शर्मा जी आप कुछ ज़्यादा तेज चल रहे हैं इस टाइप का शब्द है, उसकी जांच की जा रही है। वो लेटर उनका कहाँ लगाया गया, क्योंकि वो बाईपास होते हुए और लसूडिया क्षेत्र से इस क्षेत्र में आए थे और लास्ट सीन उनका ये रहा कि उनने उस खाली प्लॉट के वहाँ पे लिफाफा देखा है, तो अपराध पंजीबद्ध तिलक नगर थाने में किया गया है जिसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। क्या था कि एक पत्र मिला, उसकी जानकारी मैंने थाना प्रभारी को वहाँ की दे दी कि इस प्रकार का मुझे पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक दूसरे समाज के नाम से मुझे धमकी दी गई है, जान से मारने की या जो भी उसमें लिखा था। पुलिस ने विवेचना की और उसमें पढ़ा, मुझे तो दिख भी नहीं रहा था, तो राइटिंग भी ऐसी थी तो मैं पढ़ भी प्रॉपर नहीं पाया। लेकिन चूँकि हमें पुलिस को इसकी जानकारी देना आवश्यक है, तो मैंने वहाँ तिलक नगर के थाना प्रभारी जी को उसकी पूरी जानकारी दे दी। गाड़ी के बोनट पर रखा था, मैं तो लघु शंका करने गया था, तो मुझे दिखा तो मैंने ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, तो हमने देखा तो ठीक है, एक चिट्ठी थी हमने दे दी। सामान्य तरीके से हमने उसे लिया है,